Hey guys, I'm Deeksha. Tell me one thing. एक बात बताइए. When you're trying to speak in English, do you struggle? Do you feel कि आप fluently बोलना चाहते हैं, आप उस fluency से बात करना चाहते हैं, but आप नहीं कर पाते हैं? You are a good question. Have you ever wondered why does this happen? ऐसा क्यों होता है? हो सकता है आप में से बहुत लोगों को यह बात पता भी हो, बट लेट मी टेल यू दिस थिंग वेरी स्ट्रेटली दैट दिस हैपेंस बिकॉज आप जब भी कोई सेंटेंस सोचते हैं अपने दिमाग में वो होता है शायद हिंदी में, एंड देन यू स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इट इन इंग्लिश. कोई भी सेंटेंस जब आप अपने दिमाग में हिंदी में सोच रहे होते हैं उसके बाद कुछ नैनो सेकेंड्स में आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, एंड दिस इज व्हाई यू लूज योर फ्लुएंसी. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू स्पीक दिस लैंग्वेज फ्लुएंटली, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग दैट लैंग्वेज और थिंकिंग दैट सेंटेंस इन इंग्लिश ओनली. इंग्लिश में ही सोचकर इंग्लिश में ही जवाब देना बिकम्स इजियर. और अगर आप इंग्लिश में सोचना चाहते हैं सो फॉर दैट थिंग आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग करनी होगी. और अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या करना होगा? यू जस्ट हैव टू रीड अ सिंगल बुक एंड मेक श्योर वो जो बुक आप पढ़ रहे हैं उस बुक के इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उन सबका मीनिंग आपको पता हो. आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है. बिल्कुल प्रैक्टिकल है. अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग करने के लिए आपको सिर्फ एक किताब पढ़नी होगी अपने पूरे लाइफ टाइम में. फंस गया. Right? वो बुक पढ़िए एंड ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू मास्टर द आर्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग. सो आई विल बी कमिंग अप विद सच मोर वीडियोस एंड फन फैक्ट्स. टिल देन स्टे विद अस.